बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के अंदर आज हम कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, सो क्रोमोसोम्स बने किस तरह होते हैं, बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले भी होगा कि क्रोमोसोम्स जो से बेसिकली डीएनए होता है वही कॉयलिंग होती है उसकी, और वो क्रोमोसोम्स बनते हैं। वैसे जो क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वट इज़ डीएनए जो अभी हमने बात की, ठीक है, और दूसरा प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, बेसिकली डीएनए की वाइंडिंग या डीएनए को कह लें कि मतलब जोड़ के रखने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और इसमें आलमोस्ट 60% प्रोटीन्स आपको क्रोमोसोम्स में मिलेंगे, ठीक है, यानी 60% जो सी उसमें प्रोटीन्स होंगी, सिर्फ 40% जो सा है वो डीएनए होगा, ठीक है, यानी डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, सही। और उसके साथ डीएनए के साथ थोड़ा बहुत कह लें कि प्लस माइनस में आरएनए भी मौजूद होता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि डीएनए जो सा वो आरएनए बना रहा होता है। आगे हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए किस तरह बनता है। सो क्योंकि आरएनए की ये सेंथेसिस साइट है, यानी साइट ऑफ सेंथेसिस, यानी यहाँ पे आरएनए बनता है, तो इस वजह से आरएनए की अमाउंट भी यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। वैसे ओवरऑल 40% डीएनए और 60% प्रोटीन्स हैं, ठीक। और यानी डीएनए की बात करें अगर हम, सो डीएनए हम वैसे आगे जाकर सही डिटेल में इसके मॉडल्स पढ़ेंगे। वैसे ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, सही है। न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये किस तरह बना होता है। वैसे यानी न्यूक्लियोटाइड्स फॉर एग्जांपल छोटे छोटे यूनिट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए के, ठीक है। जिस तरह कह लें किसी इमारत को बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती है, सो ईंटें हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स, और इनको फिर तरतीब से रखा जाता है तो हमारे पास डीएनए की शेप आती है, ठीक। और डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में किस तरह आता है, हाउ डीएनए कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम्स, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, किस तरह आएगा। पहले तो आपको ये पता हो क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइडिंग फेज के अंदर आते हैं हमारे सामने, जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो उस टाइम हमें क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं, सही। और डीएनए से जो क्रोमोसोम्स बनते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन से क्या बनाते हैं, इट इज़ कॉइलिंग ऑफ डीएनए, या क्रोमेटिन भी कहते हैं, सही। अच्छा, ये जो क्वाइलिंग होती है, क्वाइलिंग ऑफ डीएनए, ये अराउंड प्रोटीन होगी, इट विल बी अराउंड प्रोटीन, प्रोटीन्स के गिर्द होगी, ठीक है। और ये प्रोटीन्स, इनको हम स्पेशल नाम भी देते हैं, दे आर नेम्ड एज हिस्टोन मॉलिक्यूल्स या हिस्टोन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक। सो यानी डीएनए जो से है उसकी कंडेंसेशन या क्वाइलिंग जो सी हो रही होती है वो अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होती है, और फिर वो काफ़ी कह लें कि उनकी मतलब टाइटली पैकिंग होती है। किस तरह होती है वो हम देखते हैं। ये है फॉर एग्जांपल आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये है, सही। और ये इसके गिर कह लेंगे जिस तरह आप डोर लपेटते हैं, ठीक है, यानी ये हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो से उनके गिर इसकी मतलब बाइंडिंग हो रही है। और अगर आप फिगर में भी देखें, डायग्राम में, तो आपको हिस्टोन के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, एक तो ये सेंटर में है, सेंट्रल प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल हिस्टोन का ये, और एक ये छोटे छोटे हैं हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स। सो इन दोनों का काम एक ही है कि ये रैप करते हैं डीएनए को, ठीक है, यानी हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, हिस्टोन रैप डीएनए, ठीक है, डीएनए को ये आप लपेट रहे होते हैं, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में आप कहेंगे। और जो इनकी रैपिंग का फिनोमेना होता है, इसमें कोई मतलब ज़्यादा कह लें कि बॉन्डिंग शाइनिंग इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, लाइक जिसम बकाया सब प्रोटीन्स है ना वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि उन वो अमाइनो एसिड से बनी होती है, अमाइनो एसिड से मरा अमाइनो ग्रुप होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन हिस्टोन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इस वजह से होते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर आपको जो माइनोसिट्स मिलेंगे वो आर्जिनिन और लाइसिन मिलेंगे, आर्जिनिन एंड लाइसिन,
और ये दोनों कह लें कि मतलब पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, इनके अबंडेंस की वजह से जो है ना हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है. सो जबकि डीएनए जो है वो मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये आर्जिनिन और लाइसिन मिलकर ना इसे बेसिक करेक्टर देते हैं, ठीक है. और जबकि जो हमारे पास डीएनए इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, सही. सो बेसिक और एसिडिक मीडियम के अंदर हमें क्या मिलेगी, अट्रैक्शन मिलेगी. सो बेसिक और एसिड्स के दरमियान अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आएगा, सही, और बेसिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. सो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से फिर इसके गिर रैपिंग इजीली हो सकेगी. सो डीएनए के मॉलिक्यूल्स के कह लेंगे डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो पहले हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप होगा, और रैपिंग के बाद फिर उसकी कॉयलिंग होगी, फिर उसकी फर्दर कॉयलिंग होती है, जो क्रोमेटिन फाइबर बनता है उसकी फर्दर कॉयलिंग होती है, उस कॉयलिंग के फिर आगे जाके सुपर कॉयलिंग होती है, ठीक है. ये अगेन क्रोमेटिन अगर आप देखें तो कॉयलिंग हुई है, इसकी कॉयलिंग की फिर अगेन मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर सुपर कॉयलिंग होती है, और ये एक क्रोमेटिड की आर्म बनाता है, आर्म से मतलब क्रोमेटिड बनाता है, ठीक है. क्रोमेटिड्स, हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना कि मतलब सेंटर में सेंटर में और साइड पे क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड की आर्म इस तरह सुपर कॉयलिंग से बन रही होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की, सही. और इसके अंदर जो प्रोटीन का पार्ट होगा वो कितना होगा, ऑलमोस्ट 60%, ठीक है. और डीएनए जो सा होगा वो कितना होगा, 40%, सही. सो इस तरह ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो से वो रैपिंग करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल की. ओके, ये तो हो गया हमारे पास क्रोमोसोम किस तरह बनता है, मतलब इस सारे प्रोसेस को आप कंडेंसेशन भी कहते हैं, कॉयलिंग और सुपर कॉयलिंग और रैपिंग अराउंड द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, सही. अच्छा, डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए अभी हमने देखा कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सही. सो अगर हम क्या करें कि फॉर एग्जांपल अगर हम वन न्यूक्लियोटाइड जो है, वन न्यूक्लियोटाइड को हम बराबर करें वन वर्ड के, ठीक है, यानी हम एक अल्फ़ाबेट के बराबर कर लें, सही. अब हम देखना चाह रहे हैं बेसिकली डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन हाउ मच, ठीक है, हाउ मच स्टोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो डीएनए है वो कितना इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, या क्रोमोसोम, डीएनए की जगह पे आप क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, ठीक. सो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड के इक्वल करें तो एक क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम, हालांकि हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं ह्यूमंस के, 46 क्रोमोसोम. सो एक क्रोमोसोम्स के अंदर हमें 280 किताबें, 280 बुक्स, ठीक, हम लिख सकते हैं, और हर बुक के कितने पेजेस हों, 1000 पेजेस, ठीक है, ईच बुक हैविंग 1000 पेजेस, और उसके अंदर फ्रंट एंड बैक पे, ठीक है, 280 बुक्स 1000 पेजेस, फ्रंट बैक में हमारे पास 500 वर्ड्स ऑन ईच पेज आ रहे हों, 500 वर्ड्स ऑन ईच पेज, ठीक. सो इतनी आपके इंफॉर्मेशन स्टोर है किसके अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर, सही. तो इसी को अगर हम 46 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यानी कितनी मतलब बिलियंस कह लेंगे, या बिलियंस ऑफ हमारे पास इंफॉर्मेशन के होंगे, मतलब बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, बेस फेयरिंग है, ठीक है. और इसके अलावा जो डीएनए होता है डबल हेलिकल होता है, मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी न्यूक्लियोटाइड्स, सो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो इसमें स्टोर होती है, ठीक. इसके अलावा अगर हम डीएनए के स्ट्रैंड को मतलब स्ट्रेच करें, मतलब इसको फैलाएं, सॉरी क्रोमोसोम के स्ट्रैंड को एक सिंगल लाइन के अंदर, तो हाँ मतलब इफ़ वी स्ट्रेच अ क्रोमोसोम इन अ सिंगल लाइन, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी, जो कि यानी 5 सेंटीमीटर आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट एक आधा फुट के इक्वल है, ठीक है. तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए है जो कि रैप होके एक छोटे से मतलब माइक्रोमीटर नैनोमीटर्स के अंदर ये चीज़ें पैक हुई हुई होती हैं, सही. सो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग जो थ्रेड है, ये धागा है, उसको बहुत थोड़ी सी जगह पे उन्होंने पैक किया हुआ. सो ये भी कह सकते हैं कि हमारी कुदरत की खूबसूरती है कि वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग को वो कह लेंगे नैनो मीटर्स के अंदर
उसे रैप किया जाता है, ठीक है, यानी उसको कंडेंस किया जाता है, इसे दूसरे लफ्ज़ में आप कंडेंस भी कह सकते हो, सही। और फिर हमने कंडेंसेशन का सारा प्रोसेस देखा भी है कि कंडेंसेशन होती किस तरह है और किस तरह हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द मालिक्यूल्स रैप हुए होते हैं, सही। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारा जो डीएनए है या जो हम कह लें कि क्रोमेटिन है, सो क्रोमेटिन में सारे ही यूज़फुल अमाउंट नहीं है, जिस तरह आप कह लें कि आपकी इंटरनेट में बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, सही, लेकिन आपको जो चीज़ उसमें से चाहिए होगी वो ओनली 1 या 2% होगी, सही, जो आपसे लिंक करेगी। सो इसी तरह हमारा कह लें कि जो डाटा बेस है, हमारा जो कह लें कि सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, सही, यानी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम वो सारी यूज़ नहीं करते, उसमें से बहुत थोड़ा सा हम पार्ट इस्तेमाल करते हैं और उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। यानी क्रोमेटिन के अगर हम टाइप्स करें तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक यूक्रोमेटिन, ठीक है, और एक आएगा हेट्रोक्रोमेटिन। सो यू वैसे कहते हैं रियल को भी, जिस तरह यूक्रियाटिक होता है तो मतलब विद द ट्रू न्यूक्लियस, इस तरह ये ट्रू क्रोमेटिन है। ट्रू क्रोमेटिन मतलब इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, या कह लें कि यूजफुल पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, या इसके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब जिसकी कोई ना कोई मैंने जिसमें जीन्स प्रेजेंट होंगे और जिसकी कोई ना कोई प्रोटीन्स बनेगी या फिर फिनोटाइप हमारे सामने आएगी, ठीक। हेट्रोक्रोमेटिन जो उनसे है ये नॉन यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, या नॉन यूजफुल पार्ट कह लें आपसे, पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। सो जो हम अपनी पूरी लाइफ के अंदर सारे जो मतलब क्रोमेटिन मतलब जो डीएनए का हिस्सा यूज़ कर रहे होते हैं, डेट इज़ नोन एज यू क्रोमेटिन। इसके अलावा जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ठीक है, बेसिकली इट इज़ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है, इट इज़ हाईली कंडेंस्ड। हाईली कंडेंस्ड से मतलब जो कह लें कि डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते। आगे जाके हम देखेंगे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है, उसमें यानी बेसिकली स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं और उसके बाद उसमें से इंफॉर्मेशन जो सी है वो कॉपी की जाती है, तो इनके स्ट्रैंड्स ओपन ही नहीं होते, सो दे आर हाईली कंडेंस्ड, ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं हो पाते, इनकी कोई फिनोटाइप नहीं आती, ठीक है। जबकि यूक्रोमेटिन्स वो हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिनकी फिनोटाइप्स हमारे सामने आती है क्योंकि इनकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है और मैसेज आरएनए इनसे बन सकता है, सही। और ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात की है, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा है 40% डीएनए, 60% क्रोमोसोम्स, सॉरी 60% हिस्टोन प्रोटीन्स है, सही। और ये जो कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स हमने पढ़ी है, ये बेसिकली किस टाइम होगी, जब सेल जो से है वो कब क्या कर रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, या कहीं मैंने लिखा था शायद, नहीं लिखा। सो यानी क्रोमोसोम्स हमेशा कब आएंगे, डिवाइडिंग फेज के अंदर। सो ये सारी स्टडी हमारे डिवाइडिंग फेज के लिए था, मतलब सेल्स जब डिवाइड हो रहे होंगे उस टाइम जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होगा वो इस किस्म का होगा, ठीक है। और जो नॉन डिवाइडिंग फेज होता है उसके अंदर जो मतलब क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो उसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है, मतलब उसका अभी तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो बहुत मतलब इंटेंसिव रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें भूल रहा था के न्यूक्लियोसोम के डीएनए की जब डबल रैपिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन के गिर, तो उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम फिर आपस में लिंक होते हैं और टेट्राड का स्ट्रक्चर इनका बनता है, जब ये चार न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम टेट्राड का स्ट्रक्चर कहते हैं, सही। खैर, न्यूक्लियोसोम्स फिर आपस में मतलब उनकी क्वायरिंग सुपर क्वायरिंग होती है, फिर हमारे पास डीएनए बनता है। और फिर हमने देखा कि एक क्रोमोसोम में कितनी इंफॉर्मेशन बुक्स हैं, कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर है, ऑलमोस्ट 280 बुक्स और 100 सॉरी 1000 पेजेस विद ईच 500 वर्ड्स ऑन ईच पेज, सही। और अगर हम एक मतलब क्रोमोसोम को स्ट्रेच करें उसके क्रोमेटिन मटेरियल को, तो वो ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इज़ मच लार्जर, मतलब आधा फुट, और वो नैनोमीटर्स के अंदर जो सा है वो मतलब सुखड़ा हुआ होता है, मतलब कंस्ट्रक्टेड होता है, तो उसके लिए यानी कितनी कुदरत का कारनामा कह लेंगे किस्म का है कि उसमें मतलब इतनी ज़्यादा कम स्पेस के अंदर उसको रखा गया है। फिर उसके बाद क्रोमेटिन की टाइप्स है कि हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन।
अगले लेक्चर के अंदर हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे।